So guys, हम अब जा रहे हैं मैरी लॉइन पार्क। हम वैसे तो पहुंच चुके हैं। अगर आप फिशिंग करते हो तो $3,000 का फाइन है, तो आ जाओ चलते हैं आपको लेके। गाइस, मेरे पीछे आप देख सकते हो मेलबर्न पार्क। ठीक है, पहुँच गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इजी है जहाँ तक आना। होटल 81 डिक्सन से हमने बाहर के जो बस स्टॉप है वहाँ से हमने पकड़ी थी एक बस 130 नंबर, और वहाँ पे पहुँच के आप वहाँ बस में बैठ के आफ्टर सिक्स स्टॉप आप आ जाएगा। क्या नाम था इसका, नाम नहीं याद आ रहा यार। चलो कोई बात नहीं, बता लिख दूंगा नीचे टाइटल में। ठीक है, अगर याद आ जाएगा तो देख सकते हो मेरे पीछे। पानी की बौछार आ रही है थोड़ी थोड़ी मेरे ऊपर। ये हैं हमारे चाहने वाले। सो गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग फोटो सेशन अब हम थोड़ा सा घूम के रिलैक्स करके निकलेंगे किसी और जगह पे, कोई अच्छी जगह जो कि सिंगापुर में और हो। जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड पर देख सकते हो मरीना बे सैंड। ओके, तो गाइस फोटो सेशन होने के बाद अब हम जा रहे हैं आगे मार्केट की तरफ। बड़ा अच्छा फोटो सेशन हुआ, बड़ी अच्छी सी फोटो आ रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी मतलब कि तू गर्मी यार इतनी गंदी नहीं है, लाइक गंदी नहीं गर्मी लग रही, गर्मी भी अच्छी लग रही है आज।
सही बात है या नहीं, गर्मी अच्छी लग रही है ना यहाँ पे, तो ये बात है। चलो आगे चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं। सो गूगल मैप, गूगल ट्रांसलेट बहुत हेल्प करता है। मैंने अभी इनसे पूछा जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से बताया, इनकी लैंग्वेज में पूछा कि कहाँ हमने जाना है, तो इन्होंने बताया कि एक बुगीज जा सकते हो, रैफल प्लेसेस जा सकते हो, और चार्ट एक और चार्ट जगह है वहाँ पे जा सकते हो, तो हम वहाँ पे चलेंगे। अब चलें, चलो आ जाओ फिर। यस, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਿਆ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਰਸਤਾ। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन ऑफ महात्मा गांधी पोस्ट करके आप पढ़ लेना। ओके, सो दिस इज़ मतलब महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो गाइस हम फुलटन बे होटल के बाहर आ गए हैं, काफ़ी अच्छा होटल था, अंदर से वीडियो अलाउड नहीं थी, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बैक साइड पर बनाई है इसके, तो देख लेना कैसी थी वो। अब हम जा रहे हैं आगे कहीं शिप वगैरह देखने, एक्चुअली ग्रैब करी थी हमने साउदर्न रिजर्व जाने के लिए, तो उसे हमारी लोकेशन सही से नहीं पता चली और वो कैंसिल हो गए, एंड $5 एक्स्ट्रा चार्ज हो गए। हम किसी और से, अब ग्रैब किसी और नंबर से एक्टिवेट करूँगा फिर जाएंगे। ओके बाय, बाय बाय। तो गाइस आपको जैसे कि मैं बता दूं, होटल 81 डिक्सन के बिल्कुल पास ही मेट्रो है, सामने जलन बेसर नाम से, जलन बेसर, मुझे स्पेल नहीं करना आता, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि JALNBESAR। ओके, तो यहाँ आप अगर आप होटल 81 डिक्सन में रुकते हो, सर्विस बहुत अच्छी लगी हमें, हम बाहर आए थे घूमने, हमें चाबी पकड़ा दी थी उधर ही, तो उन्होंने अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर दी थी, बेडशीट बदली, टॉवल भी बदल दिए, ब्रश भी दोबारा से रख दिया, और चाय कॉफ़ी भी आपके लिए दोबारा से रख दी। सो आप आओ तो वहाँ बिल्कुल पास ही है मेट्रो स्टेशन, देख सकते हो मेरे पीछे, तो आप यहाँ पे आके आप मेट्रो स्टेशन से भी आ सकते हो, इजी हो जाएगा, कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हमें नहीं पता था कि, हमें आज पता चल रहा है, अभी पता चल रहा है कि हमारे बिल्कुल पास है मेट्रो स्टेशन। आप सर्च जरूर कर लेना यार, गूगल पे जरूर सर्च कर लेना नियर बाई स्टेशन। एक्चुअली MRT का हमें ज़्यादा पता नहीं है, पता नहीं था पहले कि कैसे हमें टिकट लेनी है कैसे नहीं, सो हम कन्फ्यूज़ थे इसी बात पे, इसी वजह से ही हमने जो है मेट्रो वगैरह से नहीं आए, बाई बस आए। बाई बस भी अच्छा है, बाई टैक्सी भी अच्छा है, जैसे आपको अच्छा लगता है आप कंपेयर कर लेना प्राइजेस, कैसे आपको पड़ रहे हैं। अगर आप ज़्यादा जने हो तो MRT आपके लिए बेस्ट है, अगर आप पास बनवा लोगे तो। चलो देखते हैं आप आगे की वीडियो, देखते जाइए प्लीज़, और से और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे की वीडियो में देता रहूँगा, तब तक के लिए देखते रहिए, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबा दें, कमेंट जरूर करें, लाइक का बटन जरूर दबाएँ, क्योंकि आपके लाइक से ही तो मैं यहाँ तक
पहुंच गया हूं सिंगापुर में, वो भी व्लॉगिंग करने। अभी दो सीटें आ रही, नहीं तो शायद मैं ना आता। या व्लॉगिंग ना कर रहा होता आ जाता सिंगापुर में, है ना। सो यहाँ पे गए काफ़ी सारे अच्छे अच्छे रोड हैं, किचनर रोड वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सो गाइस मैंने अभी अभी ये सिंगापुर का मिल्क ट्राई किया, सोयाबीन मिल्क, बड़ा बकबका टेस्ट है बट पीने लायक है। वाह पीने लायक है। क्या इनको पीने लायक नहीं लगा आपको दिखाता हूँ। ये इंडिया के हिसाब से 75 रुपए का चूना। सॉरी अगर इंडिया में